हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आरके सर। आरके सर को एक्चुअली लाने का एक उसके पीछे रीज़न ये था कि आज सर की बुक एक लॉन्च हुई है, ये RRB जेई मास्टर पीस करके है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरे भाई, मैं एज ए स्टूडेंट आपके भी आप में सर से कुछ तगड़े क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो स्वागत है आरके सर। थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने बुक बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके लिखे। सर, मेरा बच्चों के परस्पेक्टिव से कुछ सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो यह है सर कि ये वाली बुक ही क्यों मैं प्रिफर करूं, RRB के लिए या किसी भी स्टेट AJEE एग्ज़ाम के लिए? तो डेफिनेटली सर, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चंस किया, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई भी बुक अपने कलेक्शंस पे रखनी बिल्कुल सर अच्छी, एक कारण तो होना चाहिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस बुक में मैंने एक प्रिपरेशंस करने वाले बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है सर, मुझे लगता है कि सर, जब बच्चा BTEC के डिप्लोमा करता है तो करीब 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं सर। बिल्कुल सर। और वहाँ पे इतने सारे सिलेबस होते हैं, और मोर ऑन दिस देखा जाए कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करने आ जाते हैं तो 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं सर। 10 से 12 सब्जेक्ट में भी स्टैंडर्ड बुक की अगर कंटेंट देखा जाए तो इतने बड़े बड़े कंटेंट बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा है सर। अब उसमें हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ रेलेवेंट है, कुछ अनरेलेवेंट है। बिल्कुल। तो जब मैंने इस बुक को क्राफ्ट किया, ड्राफ्ट किया, तो मैंने ये पाया कि हम RRB JEE के सिलेबस को देखते हुए, लेटेस्ट सिलेबस को, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को एग्जामिन करते हुए कि कहाँ कहाँ से ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, साथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं सर। तो हर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा RRB में आपको पता है सर कि मैकेनिकल से रिलेटेड और भी सारी ब्रांचेस, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अलाइड इंजीनियरिंग जितने भी हैं, तो एक कॉमन सिलेबस बनाया है सर। और इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर बच्चों को ध्यान में रखते हुए थ्योरी आसान से लैंग्वेज में रखा है सर। बच्चा जिसको हिंदी मीडियम का भी होगा तो भी समझ जाएगा सर, अंग्रेजी मीडियम में ये बुक है आपकी। साथ में एक बच्चे की डिज़ायर होती है सर कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया बिना किसी टीचर के सहारे से, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप बिना किसी टीचर से भी ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो सब्जेक्ट के एंड में आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट दिया है सर, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे अपना चेक कर सकते हो कि क्या आप लोगों की स्पीड रही, क्या एक्यूरेसी रही, कितने परसेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग रही सर। साथ में प्रैक्टिस सेट के हमने वीडियो सोल्यूशन में दिया है सर। अच्छा सर, वीडियो सोल्यूशन में क्या है सर, हमने एक QR कोड इसमें दे रखा है कि उस बच्चा अगर QR कोड कोई स्कैन करेगा ना, तो आपको एक हमारे अड्डा के ऐप में प्रॉपर एक स्टडी प्लान मिल जाएगा, एक शेड्यूल मिल जाएगा, जैसे प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो सोल्यूशन, मैं उस दिन आऊँगा उस टाइम पे उस डेट में सर, बच्चों को सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन कराऊंगा सर, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस में दम नहीं होगा तो बच्चे खुद ही बोल देंगे सर इसको कंटिन्यू करिए। साथ में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है सर आंसर की के बाद, तो हमने 2 पेज ब्लैंक रखे हैं सर। ओके। वो एक बच्चे की स्ट्रांग डिज़ायर होती है सर, की पॉइंट्स और फार्मूले का एक ब्लैंक पेज है, वो बच्चा पूरे हमारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़े और खुद से डिसाइड करे कि एंटायर सब्जेक्ट से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि जब वो रिविजन में जाएगा लास्ट मोमेंट में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों का सजेशन 3 चीज़ों से होता है। एक तो अच्छी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत अच्छी बात है, बच्चे ने यहाँ से प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिविजन कैसे करेगा? बिल्कुल। तो रिविजन के लिए 2 पेज हमने दे रखा है, एक तो है फार्मूला और की पॉइंट्स का, उस पर प्रॉपर लिखे, साथ में एक रिविजन ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि आपने सर, आप टीचर हैं तो आपको पता है कि एग्जाम में सिलेक्शन उन क्वेश्चन से होता है जो कोई नहीं कर पाता है। बिल्कुल सर, एकदम सही है। तो सर, एज ए स्टूडेंट और भी मेरे कई आपसे सवाल थे कि आपने फीचर के बारे में बहुत अच्छे से बताया। सर, जैसे मैं बुक देख पा रहा हूँ तो इस बुक में मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ लगी, आपने जैसे मास्टर पीस इसका नाम रखा है, तो रियली मुझे मास्टर पीस इस वजह से भी लग रही है सर कि बच्चों, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप करिए, कॉन्सेप्ट के बाद इसमें इसके क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, आप उसमें भी लेवल दिया गया सर, ऐसा है ना? हाँ। लेवल 1 2, लेवल 1 का मतलब ये है सर, लेवल 1 नहीं है, हमने एक जनरल प्रैक्टिस सेट रखा है, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस को रखा है सर, जो RRB में पूछा जा रहा है सर, आसान लेवल के भी क्वेश्चंस है, मॉडरेट लेवल के भी है, टफ लेवल जैसा RRB पूछता है सर, एग्जैक्ट हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है बच्चों की तरफ से, क्या RRB JEE CBT 2 में आपकी बुक सारे सब्जेक्ट कवर कर रही है? डेफिनेटली सर, उसके इंडेक्स में देखेंगे तो इस चीज़ को देखा गया है, सारे सब्जेक्ट हैं, और उसमें स्पेशल मैंने ध्यान दिया है कि उन सब्जेक्टों को वेटेज भी ज़्यादा दिया है जिनका RRB में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है सर।
गुड ऑन एन एवरेज, क्योंकि आरआरबी के वर्किंग कल्चर को जो बच्चा सेलेक्ट हो जाने के बाद ज्वाइन करेगा तो उसको ज़्यादा काम कौन सा करना पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा। यहाँ तो आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है सर, और यहाँ पर इस बुक में सर आप, मैंने जैसे देखा कि क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ तो सोमा और एफएम तो आती है, तो सर की बुक में मैं सोमा और एफएम पढ़ाना तो मुझे लगा कि यार एक्सपीरियंस दिखता है, और सिंपल सी बात है एक्सपीरियंस दिखेगा भी। तो सर हमने कॉन्सेप्ट की बात कर लिया, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लिया, फिर लास्ट में जो दो पेज छोड़े तो ये मेरे अनुसार हो सकता है कि आप यहाँ पर सर ने सब कुछ मेंशन कर लिया, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, आप वो बचे हुए दो पेजों में क्या कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें बिल्कुल आप उनको भी वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो सर मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन सेट भी यहीं से मिल गया, कॉन्सेप्ट भी मिल गया, और आपको जब रिवीजन करना हो तो रिवीजन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, शॉर्ट नोट्स अगर बोला जाए तो बाकी चीज़ें आ गई, जो नहीं आ रही उनको अंडरलाइन कर लिए, और बाद में सिलेक्शन के लिए और कम समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगी सर। राइट, तो आई थिंक आप सब लोग देख सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ हमने इसमें और भी किया सर, लास्ट में हमने मॉडल पेपर भी ऐड किया है तीन, ओके, जो कि CBT 2 का मॉडल पेपर होता है। तो उससे एक बच्चे की डिज़ायर ये भी होता है ना सर कि पूरा सब्जेक्ट हमने पढ़ दिया, हमने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिया, तो अल्टीमेटली हम एग्ज़ाम में कितना परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमने सर तीन मॉडल पेपर रखा है, पहला मॉडल पेपर, दूसरा, तीसरा, हूबहू 150 क्वेश्चंस का, जिससे बच्चा अपने आप को चेक करे स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, कि एक्चुअल में वो कितना पाने वाला है मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिससे एक मार्क्स में अगर उसके अच्छे स्कोर नहीं आए, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक मार्क्स में अच्छे स्कोर नहीं आए तो पीछे जाए, फिर से किताब पढ़ना शुरू करे, फिर से कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर से प्रैक्टिस करे, दूसरे मॉक पे आए, फिर तीसरे, तीन मॉक तक मैंने एक्सपेक्ट किया है कि अच्छा है, नहीं जाएगा बहुत अच्छे सर। और यहाँ पर मैंने एक चीज ये भी देखा ना सर, जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जैसे पढ़ रहे हैं सोम, लेकिन उनको पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं मिलता सर सोम को, तो मिक्स लगाते हैं वो, या तो इंतजार करें कि आपके बारे सब्जेक्ट तैयार हो जाए, इसके बाद वो जाके क्वेश्चन लगाएं पूरा प्रैक्टिस सेट, तो इस वजह से क्या होता है कि जब तक 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, जब तक भूलता रहता है। और आपकी बुक की एक खास बात मैंने ये भी देखा कि पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो तुरंत जाकर उसके 200-300 जो भी क्वेश्चन आप वो सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन दिए गए, ऐसा है इस हिसाब से रखा गया कि आरआरबी जे जिनको वेटेज देता है, उस हिसाब से भी क्वेश्चन रखा है, उसी हिसाब से रखा। अच्छा सर, आरआरबी जेई तो ठीक है, आपने आरआरबी जेई की मास्टरपीस बना दिया, लेकिन सर अगर मैं एसएससी जेई की कर रहा हूँ तैयारी, CBT 1 और CBT 2, और इसके बाद अगर मैं स्टेट का कोई भी जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर ये कितने परसेंट बेनिफिशियल होगी, या कितने परसेंट क्या सर, कितनी बेनिफिशियल होगी? डेफिनेटली इस बात को भी मैं सोच रहा था सर, क्योंकि अभी आरआरबी जेई हमारे सामने है, बिल्कुल, तो मैं नहीं चाह रहा था कि बच्चे को दोबारा इन्वेस्ट करना पड़े बुक के फॉर्मेट में, तो बड़ा ध्यान रखा है। और इसमें मैंने शुरुआत में फ्रंट एक दो दूसरे पेज पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है सर, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, जो आप लोगों को कॉपी डिस्पैच होगी उसमें आप लोगों को मेंशन है प्रॉपर। तो आप यदि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन सब्जेक्टों को पहले पढ़ सकते हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई या अदर एग्जाम की, तो आपको पता है कि उस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मल्टीपल एग्जाम्स के लिए काम आएगा, मैंने बोला ना कि मास्टर पीस है सभी एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली वो भी एग्जाम के लिए काम आएगा सर। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो मेरे दोस्त अगर आपको आरआरबी जेई या मैकेनिकल की एक अच्छी बुक की तलाश है, तो इससे अच्छी बुक नहीं हो सकती, क्योंकि आपको भी पता है यार कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिलेक्शन रोल के लिए, और ये वाली बुक आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैकेनिकल के लिए मास्टर पीस साबित होगी। तो सर थैंक यू, आप आए और सेशन में बच्चों को बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है, और थैंक यू सर, और आप लोगों को भी थैंक यू भाई, जाकर फटाफट आप इनरोल कर सकते हैं और बुक को ले भी सकते हैं, बुक परचेज करके ले सकते हैं। और सर कितने की क्या है? तो आई थिंक पीछे 350 के आसपास प्राइस है सर, लेकिन हमने एक डिस्काउंट कूपन कोड दे रखा है, फैकल्टीज जितने भी हमारे हैं उनके कोड के नीचे आगे मतलब कि लास्ट में S लगा देना, आइदर Y201S लगा सकते हो या सर का कोड लगा सकते हो, किसी भी कोड से। इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में आप डायरेक्ट अंडर 24/7 के ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।